चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सेगमेंट एंड चेंबर ऑफ द आईबॉल। तो हमारे आईबॉल है उसको दो सेगमेंट में बांटा गया, पहला एंटीरियर सेगमेंट, दूसरा पोस्टीरियर सेगमेंट। पर एंटीरियर सेगमेंट 1/3 पार्ट होता है पूरे आईबॉल का, पोस्टीरियर सेगमेंट 2/3 पार्ट होता है। तो ये एंटीरियर सेगमेंट लाई करता है फ्रॉम पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया टू द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द लेंस, और जो पोस्टीरियर सेगमेंट लाई करता है फ्रॉम पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लेंस टू द रेटिना। चलिए इसको फिगर में एक बार देखते हैं। ये हमारे आईबॉल है पूरा, इसमें एक कॉर्निया है, ये आयरिस है, लेंस है, सिलियरी बॉडी है, ये सब है, ठीक है। तो देखिए कॉर्निया यहाँ से यहाँ है, इसके पोस्टीरियर से लेंस, ये लेंस है, इसके एंटीरियर यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीरियर सेगमेंट, और लेंस के पोस्टीरियर से रेटिना तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर सेगमेंट। चलिए अब हम लोग, और जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है वो क्या होता है, विट्रस ह्यूमर, यहाँ पे पूरे में विट्रस ह्यूमर भरा हुआ होता है, ये जेली लाइक एक मटेरियल होता है, ठीक है। यार यहाँ पे होता है रेटिना, ये सब हमारे आ जाता है पोस्टीरियर सेगमेंट में। एंटीरियर सेगमेंट को फिर से हम लोग दो चेंबर में डिवाइड किए हैं, ठीक है, एक है एंटीरियर चेंबर और दूसरा क्या है, पोस्टीरियर चेंबर। जो एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर है वो क्या से फील है, पूरा एक्वास ह्यूमर से फील है, और एक्वास प्रोडक्शन कहाँ से, हमारा सिलियरी प्रोसेस से एक्वास का प्रोडक्शन होता है, इसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर दो है, तो एंटीरियर चेंबर कहाँ पे लाई करता है, फ्रॉम बैक ऑफ द कॉर्निया टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द आयरिस, और जो पोस्टीरियर चेंबर होता है कहाँ होता है, फ्रॉम पोस्टीरियर ऑफ द आयरिस टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द लेंस। चलिए इसको हम लोग देखते हैं फिगर में, जैसे फिगर में दिखाया गया है यहाँ से यहाँ तक था कॉर्निया का बैक से एंटीरियर का फर्स्ट तक था मेरा पोस्ट एंटीरियर सेगमेंट था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए कॉर्निया के बैक और आयरिस के फ्रंट, यहाँ पे आयरिस के फ्रंट और कॉर्निया के बैक, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम एंटीरियर चेंबर, और जो पोस्टीरियर चेंबर किसको बोलेंगे, आयरिस के बैक और ये जो हमारा है लेंस, लेंस के फ्रंट, यहाँ का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर चेंबर, ठीक है। अब इसका एसी एंटीरियर चेंबर डेप्थ कितना होता है, 2.5 इन नॉर्मल एडल्ट, और ये कितना कंटेन करता है एक्वास ह्यूमर, 0.25 ml एक्वास ह्यूमर ये कंटेन करता है, देखते हैं यहाँ पे। तो इसका यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, मतलब कॉर्निया के बैक और आयरिस के पहले तक का लेंथ कितना, 2.5 mm है, और इसमें एक्वास कितना फील रहता है, 0.25 ml यहाँ पे एक्वास रहता है। उसी तरह यहाँ पे पोस्टेरियर चेंबर में देखते हैं, ठीक है, कंटेनिंग कितना कहता है, 0.06 ml ऑफ द एक्वास ह्यूमर। देखिए यहाँ पे कितना रहता है, ये यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे कितना, 0.06 ml यहाँ पे एक्वास ह्यूमर रहता है। देखिए थैंक यू दोस्त, अगर ये आपको अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।